अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग सैयद फराज अली। 1987 हाजिर आपका भाई सैयद फराज अली फिर से एक न्यू लुक के अंदर, और दिखाते हैं आपको आगे का फुल व्यू। और फुल वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको आगे। गली में इस टाइम बच्चे मौजूद हैं, हमारे नेबर हैं, छोटे छोटे बच्चे। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। रूहान। और आपका नाम क्या है? ये अरीबा है। और आपका? हडामुर शर्मा उन्हीं मुदस्सिर। तो माशाल्लाह ये हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। पहले इनके मम्मी पापा जो थे, जो मम्मी थी इनकी, ये हमारे पड़ोसी, हम भी इसी तरह से साथ में ईद मनाते थे, खेलते थे। आज यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं हमारे, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। तो हम गली का अपना दिखाना चाह रहे हैं आज आपको कि गली में हमारे कितने सारे माशाल्लाह बच्चे मौजूद हैं। तो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। इनके जो पापा हैं वो पहले ये बहुत, ये समझ लें ये सैलमपुर में रहते हैं हमारे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका स्वीट्स का भी काम, इनके वालिद साहब का। तो वो भी पहले इतने से थे बिल्कुल माशाल्लाह हमारे सामने। तो बहुत अल्लाह पाक ने इतना स्पीड से टाइम बढ़ा रखा है कि माशाल्लाह सब आते हैं माशाल्लाह, जब इतने सारे बच्चे हमारी गली के अंदर। तो कुछ बच्चे उधर भी हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं चीज़ लेने? आ रहे हैं तो फिर बाकी का और ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह से रहने वाला है। और एक बच्चे हमारे देखो यहाँ पर भी है, खेल रहे हैं। देखो इस तरफ का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, कितने सारे बच्चे हमारे यहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पूरा बेहतरीन ज़बरदस्त व्यू रहता हमारी गली का। और ये हमारे आबिद भाई के साहबजादे हैं जिनसे अभी मुलाकात हुई थी पिछले ब्लॉग के अंदर। वालेकुम सलाम। और देखो जैन अली को भी अभी सो के उठे हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि कल रात को मेरी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से ये भी अभी सो के उठे मेरे साथ। 3 बज रहे हैं तो अब नमाज़ के लिए हम जाएंगे। बाकी ये दिखाना चाह रहा था और अपनी ख़ास दुआ में हमें याद रखें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आजकल यही बताना चाह रहा था कि भाई थकान हो जाती है, तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। बाकी बच्चे देखो हमारे एक साथ चलेंगे तो सब मिलके, देखो इधर आओ सब बच्चे, इधर आओ सब बच्चे, यहाँ पर खड़े हो। देखो देखो कितने सारे बच्चे। नाम बताओ भाई पहले अपने अपने, क्या है? आयश। ये आयश है। और ये हसन। ये हसन है। और ये हसनैन हमारे आबिद भाई के, जो मैंने बताया था हमारे बचपन के साथी हैं। और आपका आहद है। और आप? आतिफ। ये आतिफ है माशाल्लाह, देखें। और ये जैन अली के स्कूल में पढ़ते हैं ये भी। और देखो एक बच्चा और पीछे से चलता हुआ आ रही है, जैन अली पीछे हैं। जब ये तैयार होंगे फिर उनके बाद भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी थकान हुई भी है बच्चों को, तो सोने का टाइम होता है। अब सो के उठ रहे हैं, लेकिन खेल देखो माशाल्लाह, यही बचपना होता है। बंदूक कितनी प्यारी प्यारी लेके आए हुए देखो ये। तो आगे मैं दिखाऊंगा और कैसा व्यू रहने वाला है। तो थकान हो गई है बहुत ज़्यादा सब बच्चों को। बंदूक के चलने लेंगे आप? हाँ अभी लेके चलेंगे। तो सब बच्चे एक साथ यहाँ पर खड़े हो, मैं सबके साथ फोटो लेके थंबनेल पे लगाऊंगा। फिर जाओ जैन अली यहाँ पर खड़े हो। हाँ बताता हूँ, देखो खड़े हो सब बच्चे, खड़े हो। देखो नहीं नहीं आ गया बच्चा, ये भी हमारा बच्चा है वही। देखो तो माशाल्लाह सारे हमारी किरी में रहती हैं। तो इंशाल्लाह आगे में मुलाकात करेंगे। सबको ईद मुबारक हो भाई। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक हो। पीछे नकी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। देखो मेरे नकीउल्लाह जिनसे मुलाकात हुई थी मस्जिद भूरी भटियारी में। और थोड़ा सा मैं और दिखाऊँ, एक बार रफीउल्लाह का यहाँ पर बच्चा मौजूद है। इनके पापा पहले इतने से थे हमारे सामने, वक्त इतना स्पीड से गुजर गया माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? हैं फादुल्ला। तो फादुल्ला हैं ये। और देखो बच्चे वहाँ से उछलते कुत्ते आ रहे हैं हमारे नेबर जो है माशाल्लाह, देखें आप। और बाकी की मुलाकात कराएंगे और नकी भाई से भी मुलाकात करते हैं। हमारी कैसी हालत हो रही है? रात से थकान हुई भी थी बहुत ज़्यादा। सलाम भाई फराज हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ जी बिल्कुल, और लाइक भी करना भाई को। और भाई हमारे माशाल्लाह सबको ईद मुबारक भाई। बिल्कुल आज माशाल्लाह ये समझ लें, कल रात में मामा के घर जैसे मैंने आपको व्लॉग दिखाया था, मेरे पैसे आए थे। तो आप हालत देख सकते हैं आंखों की, चेहरे की कैसी हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है भाई। मेहनत बहुत करते हैं हमारे भाई, भाई पूरे महीने इतनी मेहनत चली है, रातों को 3-3, 4-4 बजे आपको दिखाने के लिए सिर्फ, कि भाई आप देख सकें हजारों की रौनक है। तो पूरे महीने की थकान है,
और उसके अलावा कल मेट्रो में जैसे मैंने बताया था मैं शपथ नहीं करता हूँ, कल मेट्रो में मैंने शपथ कर ली है, उसकी वजह से मेरा कंध ही लेट गया है। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम ऐसा है कि दवाई लेते अल्लाह पाक शिफा दे देता, उसमें कहीं जाना नहीं पड़ता हॉस्पिटल वगैरह में। ये सबसे बड़ा अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं क्योंकि हमारे साथ, तो इंशाल्लाह दुआ में भी अपनी खास याद रखेंगे, अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह से भी लोग लाते रहें। तो इंशाल्लाह आगे का भी मैं अपना फुल व्यू दिखाने वाला हूँ। अभी तो ये अभी मॉर्निंग हुई हमारी 3 बजे, क्योंकि दवाई खाई थी सुबह हम फजर पढ़ने के बाद ही सोए, क्योंकि लेकिन आदत पड़ी हुई अभी। तो इंशाल्लाह आगे का मैं भी दिखाऊंगा अपना व्यू क्या रहने वाला है तैयार होने के बाद। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको आज और दिखाते हैं अपना आगे का फुल व्यू। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर वसीम भाई मौजूद है माशाल्लाह, हमारे बहुत ज़बरदस्त भाई हैं। तो भाई से आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, और अगर भाई को आपको बॉडी बनानी है अपनी, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो भाई से मुलाकात कर सकते हैं। लगे घूम से ज़बरदस्त कोचिंग देते हैं हमारे वसीम भाई, और कई कॉम्पिटिशन माशाल्लाह जीत भी चुके हैं। और वसीम भाई कहाँ पर कोचिंग दे रहा है इस टाइम? लाजपत नगर में भाई का रहता है। तो वसीम भाई आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो नंबर बताएं थोड़ा सा। 7971 तो भाई बिल्कुल हमारे वसीम भाई से रब्ता कायम कर सकते हैं आप, और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसी बॉडी बनवा देंगे आपकी, अल्लाह बनवाता है। लेकिन मेहनत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लेकर चलते हैं वसीम भाई हमारे। तो इंशाल्लाह अपने और भाइयों से इसी खूबसूरत शख्सियतों से मुलाकात कराएंगे आपको, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद आगे। तैयार हो चुके हैं और मैं मुलाकात कराता हूँ। अभी जो हमने एक बच्ची का शूट करा था आफिया को, उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे भाई साहब हैं, और साथ में हमारे मौजूद होंगे यहाँ पर सैफ अली। तो माशाल्लाह यहाँ पर सैफ अली हैं, और ये हमारे हैं भाई साहब माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है हमारे भाई साहब की माशाल्लाह, खुश मिजाज और बेहतरीन लगते नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल दोस्ताना वाला माहौल रहता है माशाल्लाह आपस में हम सबसे। तो भाई अपनी खास दुआ में याद रखें, और अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह से हम मुलाकातें करते रहें। तो भाई साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ा बताएं भाई जी? हम यूपी लखनऊ से। लखनऊ से माशाल्लाह हमारे भाई। तो लखनऊ से जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे हमारे साथी भी रहते हैं, और निज़ार भाई वगैरह काफ़ी लोग आते हैं। तो माशाल्लाह हमारे भाई साहब वहीं से बिलोंग करते हैं, और सबसे मेन बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है माशाल्लाह हमारे भाई साहब की। शुक्रिया। तो वही सबको ईद मुबारक हमारे पूरी फैमिली की तरफ से। तो ये हमारे नेबर नहीं है, पूरी फैमिली है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इसी तरह से हमको एक साथ रखे, सलामत रखे, खुश रखे, और आपसी भाईचारा और मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो इंशाल्लाह दिखाते हैं और अपना आगे का व्यू, और पीछे हमें एक हमारे भाई और नज़र आ रहे हैं। आ जाओ भाई, तुम भी आगे आ जाओ, भाई साहब के साथ आ जाओ हमारे। तो माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे पीछे की साइड पे रहते हैं, और भी भाई हैं माशाल्लाह, अभी तो काफ़ी और बाकी लोग रह गए हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज इस ब्लॉग के माध्यम से। तो नाम बताओ भाई पहले अपना। मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम नाम है हमारे भाई का। तो माशाल्लाह बहुत ही एक से एक बढ़कर शख्सियत है हमारी पुरानी दिल्ली छः में, और ख़ास तौर से हमारी गली के अंदर। तो सबसे मुलाकातें कराएंगे और दिखाएंगे अपना आगे का व्यू और क्या रहने वाला है। अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के बाद आगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बारिश का माशाल्लाह मौसम हो गया है यहाँ पर, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। रोज़दारों को तोहफा दिया अल्लाह पाक ने, गर्मा बहुत था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन माशाल्लाह देखें बारिश पड़ते हुए एकदम खुशगवार मौसम हो चुका है, और बहुत अच्छी बारिश है। सोंधी सोंधी हवाएं चल रही हैं, और बहुत ही माशाल्लाह इस टाइम का नज़ारा बेहतरीन है। हमारे एक और भांजे साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो आफिया की खाला के बेटे हैं, और व्यस्त हैं अपने मोबाइल के अंदर। हाँ भाई, नाम क्या है भाई तुम्हारा? नाम बताओ नन्हे, क्या नाम है? अरमान भाई यहाँ पर मौजूद है, देखें ये भी हमारे नेबर हैं, हमारे भांजे हैं ये भी माशाल्लाह, देखें इस टाइम मोबाइल में व्यस्त हैं अपने पूरे फुल ये, और बाकी का और भी आपको नज़ारा दिखाएंगे आगे का कि क्या रहने वाला है। तो फुल बारिश का मौसम है, और माशाल्लाह हवाएं चल रही हैं, बड़ी खूबसूरत हवाएं देखें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बारिश है, जगह जगह पानी पड़ चुका है, और बहुत ही माशाल्लाह आगे आप देख सकते हैं व्यू कितना ज़बरदस्त रहने वाला है। तो मरकज़ जमात इस्लामिया तामीर किया जा रही है, जिसके अंदर किताबें वगैरह के एक ऑफिसेज़ बनाए जाते हैं, और सब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैद भाई हमारे आ रहे हैं अपनी एहलिया को लेकर के, फुल बारिश के मज़े ले रहे हो जैद भाई?
तो बारिश एकदम पड़ रही है, हमारे भाई अब्दुल रहमान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी अपनी स्कूटी को लगा रहे हैं। बाकी मौसम आप देखें एकदम चेंज हो गया है, रात को बहुत ज़्यादा गर्माव था लेकिन माशाल्लाह इस दिन के अंदर काफ़ी ठंडक हो चुकी है। तो मुलाकात कराएंगे, अपने भाई से भी बातचीत करेंगे, फ़िलहाल अपने भागते फिर रहे हैं। उज़ैर भाई आ रहे हैं, उज़ैर भाई हमारे देखो माशाल्लाह भागते हुए आ रहे हैं बारिश के मज़े लेते हुए अपनी शॉप की तरफ। तो हमारे रहमान भाई देखें शॉपिंग करने गए थे लेकिन एकदम से बारिश हो गई है और जा रहे हैं साथ के अंदर माशाल्लाह रोज़े रखने वालों के लिए। तो रहमान भाई कहाँ से तशरीफ आ रही है बताएं आप? साइकिल मार्केट। तो साइकिल मार्केट आए हुए थे टॉयस वगैरह लेने के लिए हमारे भतीजों भतीजों के लिए। तो बारिश यहीं पर ही शुरू हो गई थी, वहीं पर ही आ रही थी बारिश? बारिश हुए साइकिल मार्केट में शुरू हुई है और अच्छा बाद बस तेज़ होती है यहाँ से साइकिल मार्केट से बेगवर आना बड़ा भारी हो गया। बहुत भारी हो गया माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह बहुत तेज़ है, मौसम में फुल चेंजिंग आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग है हकीकत मार्ग में। तो मैं थोड़ी देर के बाद बातचीत करूँगा, थोड़ी सी बारिश हल्की हुई है क्योंकि भाई अभी ज़रा भीगते हुए आए हैं। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। बासी तबाशी के दिन चल रहे हैं, दावते चलनी है। तो भाई रहमान देख लेकर के जा रहे हैं अपने अंदर और साथ में उनके भाई भी सारे मौजूद हैं माशाल्लाह। देखें आप कितनी मेहनत चल रही है। तो सभी के घरों में मेहमान आए हुए होते हैं तो माशाल्लाह देखें जो देख का प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि भाई छोड़ने वाला नहीं आ पाता यहाँ पर। तो हमारे रहमान अब्दुल रहमान भाई हमारे बहुत करीबी साथी हैं बचपन से। तो देखें देखो कुंदन ले आने का प्रयास चल रहा है यहाँ पे कि किस तरह से, देखो माशाल्लाह भाई ने क्या टेक्निक यूज़ करी है। तो देखें माशाल्लाह भाई ने उठा ली अब देख और जाएंगे अपने घर की तरफ। तो इंशाल्लाह भाई से बाद में मुलाकात करेंगे पूरे ग्रुप के साथ। तो देखें माशाल्लाह चल पड़े अपने भाई अपनी मकाम घर की तरफ। और बाकी की इंशाल्लाह बारिश हो रही है, काफ़ी लोग आने थे लेकिन आ नहीं पाए। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मुलाकात करेंगे उनसे भी। कर रहे थे लेकिन फिर से बारिश देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है और शाम का व्यू है ये। और फिर से हमारी जो गली में भाई थे यहाँ पर मौजूद है। हाँ भाई कहाँ रहो, सब बढ़िया? तो भाई भी हमारे इस टाइम घर जा रहे हैं तो गली के नेबर जैसे मैंने बताया था यहाँ मौजूद हैं। और गोलू भाई भी हमारे यहाँ पर है तो सबसे मुलाकात हमने दोबारा करानी चाहता हूँ अपने भाइयों की। तो भाई आज का दिन कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बारिश पड़ रही है ज़बरदस्त। और ये हमारे बड़े वाले भाई यहाँ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। और हमारा आसिफ भाई जा रहे हैं माशाल्लाह। आसिफ भाई इतनी मुबारकबाद पेश करेंगे सबको। तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया भाई हैं हमारे, तो इसी तरह से हम सबसे मुलाकात कराते रहेंगे। तो आज माशाल्लाह जैसे कि बारिश का दिन शुरू हो गया है तो गोलू भाई तीन दिन बड़ी गर्मी थी लेकिन आज माशाल्लाह मौसम अच्छा है, मुसलसल बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर खड़ा होने के अंदर भी, वरना गर्मी में खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो सबसे मेन बात ये बिजली भी चमक रही है और बहुत ज़बरदस्त बादलों में गड़गड़ाहट है और ऊपर का आपको मैं व्यू दिखाऊंगा। 5-6 बजे का टाइम है सिर्फ और ऐसा लग रहा है रात को ईशा का टाइम हो गया हो और कबूतर वगैरह भी इधर से उधर फड़फड़ा रहे हैं हमारे। तो इंशाल्लाह और भाइयों से भी मुलाकात कराएंगे इसी तरह से और दिखाएंगे अपना आगे का पूरा फुल व्यू। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं तो जैसे कि भाई तीन दिन कितने ज़बरदस्त गर्मी के गुजरे हैं, अब ये तीसरे दिन में थोड़ी राहत मिली है क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से। तो जैसे कि लैलतुल जायज़ा की रात के अंदर एक इनामत की रात होती है तो अल्लाह पाक इनामत अपने पेश करते हैं अपने बंदों के लिए जो रोज़दार होते हैं रोज़े पूरे रखते हैं। तो ये ख़ास उनके लिए होता है जो रोज़े रखते हैं और माशाल्लाह ये तोहफ़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। आज इतनी गर्मी थी मैंने सोचा था आज स्टार्ट करेंगे अपना एसी भाई लेकिन माशाल्लाह ऐसा मौसम हो गया है, बहुत बहुत सुकून मिल गया माशाल्लाह इस टाइम यहाँ पर बैठने में। सही में बहुत सुकून मिल गया। तो जैसे कि कल तलक इतनी गर्मा होता एकदम तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी मेरी। तो इस कल का व्लॉग में दूसरा भी खाने खाते हैं तो उससे एसिडिटी एनजाइटी मतलब ये होता है रमजानों में तो माशाल्लाह बहुत परहेज रहता है रोजे की वजह से, फिर भी स्टार्ट करते हैं दिन स्टार्ट रहता है। और भाई सबसे मेन बात मैं ये बताऊं कि रोज़दार पे खास अल्लाह का तोहफा होता है, कितने ही खा लो रिजक बिल्कुल फ्री हुआ होता है उस दौरान। माशाल्लाह तबीयत ही ख़राब नहीं होती, आम दिनों के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो 4 टाइम खाते हैं माशाल्लाह है नहीं, सहरी में अफ्तार के बाद फिर रात में जब तक चलता है फिरता रहता है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलाते रहते हैं। तो हर खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है कितना हैवी खा लो लेकिन बाद में थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि मशीनरी जो थी हमारी वो बहुत ज़्यादा हम मैं कमज़ोर तो नहीं कहूँगा क्योंकि अल्लाह पाक के जो रोज़ होते हैं मज़बूत करते हैं लेकिन क्या है निज़ाम चेंज हो जाता है। बाकी भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे भाई हैं, हमारे वालिद साहब भी के माशाल्लाह यहाँ पर होते हैं और उसके अलावा जैद भाई हमसे भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं तो जैद भाई से भी थोड़ी मुलाकात करेंगे। उप्पी के लड़के हमारे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, इमरान भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भाई हैं हमारे, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके अहल व आयाल को जो है
खुश रखे। तो जैसे कि अभी पिछले साल हमारे बीच से हमारे भाई गुजर गए चांद भाई, माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी थे वो भी, अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए। तो भाई सबके लिए हमारे लवाकिन होंगे जो हमारे महरूमिन जा चुके हैं, अब उनके लिए खास दुआ किया करें। बाकी माशाल्लाह ईद की नमाज़ क्या पढ़ी है आपने? ईद की नमाज़ जामा मस्जिद में पढ़ी है। माशाल्लाह जामा मस्जिद में शर्फ हासिल होता है खास यहाँ के लोगों को कि जामा मस्जिद जाते हैं। तो माशाल्लाह नमाज भी अदा करी और अब जैसे कि मैं बताऊँ कि थकानें बहुत हो रही हैं, तो आज भी इंसान रेस्ट पे चल लिया है। तो शुरू का व्यू आपने हमारा भी देखा था, हम भी जैसे ही बाहर आए थे और दिखाया था आपको हमने भी। तो इमरान भाई भी माशाल्लाह इस टाइम भी काम से आ रहे थे हमारे भाई, लेकिन इंशाल्लाह और अपने भाइयों से आगे भी मुलाकात कराऊँगा। तो अपनी खुशी दुआ में याद रखें और प्यार मोहब्बत अल्लाह पाक हम सब में इत्तिफाक हमेशा रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और शाम का टाइम हो गया है और मैं मुलाकात कराऊंगा अपने भाई फहीम साहब से। माशाल्लाह यहाँ मौजूद है भाई फहीम। तो जनाब भाई फहीम साहब यहाँ पर मौजूद है, नमाज कहाँ अदा करिए आपने? तो ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे हमारे भाई फहीम। तो माशाल्लाह हमारे नीम भाई के भाई हैं और ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं आपको। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ बचपन के साथ ही माशाल्लाह ये भी हमारा एक साथ रहा है माशाल्लाह। बहुत जगह गए हैं हमने, साइकिल वगैरह भी चलानी साथ में सीखी है, बहुत सारे माशाल्लाह हमने गेम खेले अपने साथ में। और उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है भाई की। तो हम चाहते हैं भाई अपने जो हमारे बचपन के साथी हम उनसे आपको मुलाकात कराएं। और उसी के साथ में एक बच्ची को दिखाना चाहता हूँ। देखो इस दफ़ा जो पिछले ब्लॉग में मैंने हेडबैंड दिखाया था आपको चौक चित्तले का वर्क, यहाँ पर हमारी बच्ची लगाई हुई है, देखें माशाल्लाह देखें। और हाफिज़ साहब यहाँ पर हमारे मौजूद हैं जो इस टाइम व्यस्त हैं अपने फ़ोन के अंदर, और सामने एक भाई हमारे और खड़े हुए हैं। तो पूरी गली का माशाल्लाह बेहतरीन नज़ारा रहता है और दिल्ली 6 के अंदर खूबसूरती भी है जगहों की भी, और माशाल्लाह हमारे बच्चों की भी और हमारे भाइयों की भी। तो आगे और भाइयों से मुलाकात कराएंगे और दिखाएंगे अपना आगे का फुल व्यू। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर से सब आना जाना कर रहे हैं क्योंकि आज दिन है, ईद का चल रहा है, तो उसकी खुशी मनाई जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने अपने तरीक़ों के साथ में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको और दिखाते अपना आगे का पूरा फुल व्यू। दिखाना चाह रही हूँ कि खाली रमज़ानों में नहीं, माशाल्लाह यहाँ पर रौनकें बरकरार रहती हैं हमारे पूरे इलाकों के अंदर। तो माशाल्लाह शाम की आप रौनक देख सकते हैं, जो रौनक आपको रमज़ान में मिलती हैं वो आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। और फ्रंट साइड के ऊपर हमारा यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, रोटी का सेटअप लग रही है भाई। ये वही भाई हैं जो रमज़ान के अलावा भी ईद पर हमें रोटियाँ खिलाते हैं माशाल्लाह, तब भी भाई की शॉप के ऊपर। भाई का बहुत सहयोग रहता है, टाइम निकालते हैं और यहाँ पर बैठ करके खिदमत खल्क में रहते हैं माशाल्लाह रोटी की। और तब भी भाई की ये शॉप है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त रोटियाँ वगैरह मिल जाएंगी देखने को, जिसमें कुलचे पराठे लाल रोटी और काफ़ी किस्म की माशाल्लाह रोटी भाई के पास मौजूद होती है। और लाल रोटी भी 35 रुपये के अंदर मौजूद रहती है हमारे भाई के पास। तो तंदूर यहीं रहता है, इसमें आप हर साइज़ की यहाँ से भाई से रोटी ले सकते हैं। तो ऑर्डर वगैरह दे के लोग जा चुके हैं। इसके अलावा और मैं आपको मैं दिखाऊंगा, फ़िलहाल तो मैं अपने भाइयों से मुलाकात कराऊंगा अपने दोस्तों से। और हमारी गली की शान हमारे भाई नाजिम साहब यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, भाई शुएब इकबाल साहब के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत काफ़ी टाइम से बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। यहाँ पर बैठने का असल मकसद ये होता है इनका, कोई भी परेशानी इनके पास लेके आता है तो ये माशाल्लाह वहाँ तक पहुँचा देते हैं और वो काम बहुत जल्द से जल्द सोल्व कर दिया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सोशल वर्क करते हैं हमारे नाजिम चाचा। तो भाई अपने खास दुआ में हमारे चाचाओं को हमारे सबको याद किया रखा करें आप माशाल्लाह। तो नमाज़ कहाँ पढ़ी आपने ये बताएं? दुजान हाउस में पढ़े, तो माशाल्लाह हम छत पे पढ़ी हमने और मेन नीचे हमारे नाजिम चाचा ने वही नमाज़ अदा करी है। तीसरी मंजिल पे थे आप माशाल्लाह, छत पर हम भी थे वहीं पर ही। तो वहाँ पर उस दिन मुलाकात नहीं करवा पाया था, लेकिन आज हम मुलाकात कर रहे हैं अपने नाजिम चाचा से। इंतजाम तो सही था, क्या फ़ायदा। मैं पहले दरगाह फेज लाए गया था, दो भाइयों के होटल पे नमाज हो रही थी और आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं वहाँ से वापस आ गया था। और मैंने सबसे ये किया कि भाई इससे पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर है, तो मैं हम फटाफट वहाँ पहुँचे तो इसलिए छत पे जाने का मौका मिला। और ये नन्नी नन्नी बेटी भी, नन्नी गुटखा खा रही है, नन्नी देखो नन्नी मानती है गुटखा खाती है। ये बहुत हमारे बचपन से ही मौजूद है और हमारे एक चाचा और जुड़ गए हमारे साथ में माशाल्लाह देखें। भाई हमारे चाचा से आप कोई किचन वगैरह का सामान लेना हो आप आन के यहाँ से ले सकते हैं, तो बहुत ही लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी का माशाल्लाह सामान मौजूद होता है हमारे चाचा के पास। तो बाकी भाई माशाल्लाह नूरानियत वाली शख्सियतें यहाँ पर सारी मौजूद हैं हमारे सब बड़े।
तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, निम्बाई से मुलाकात करते हैं हम अपने एक दोस्त से और दिखाते हैं वहाँ का व्यू क्या क्या रहने वाला है। क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? नमाज पढ़ी थी? खाना खा लिया? भूख तो नहीं लग रही? चलो ईद मना रही हमारी नन्नी भी यहाँ पर सबके साथ में बैठ के, देखो आप और छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो माशाल्लाह जा रहे हैं, नानी के घर में जा रहे होंगे शायद ये भी अपनी। तो पूरा ये टाइम रहता है कि भाई आड़ जाल लगी रहती है, हम भी थोड़ी देर में जाएंगे अपनी बहन के घर और दिखाएंगे थोड़ा सा उधर का भी व्यू। तो फिलहाल मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रौनकें बरकरार रहती हैं, 12 महीने एक जैसा रहता है माशाल्लाह बाजार हमारा, रात की रानी और राजा सब मौजूद होते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अपने भाई को मैं दिखाना चाह रहा था, ये हमारे नईम भाई माशाल्लाह मौजूद हैं हमारे पास। भाई सुबह से गायब थे, बीच में नहीं ले पाए अपने भाई को मैं आज यहाँ पर, भाई तिफ की शॉप पे इनके साथ आज माशाल्लाह मोहब्बत है, क्योंकि बिजी दे रही है इंसान, लाइफ बिजी हो गई है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी अपनों के लिए टाइम निकाल के आता है हर कोई। तो माशाल्लाह पेश है खिदमत है आपके सामने हमारे नईम भाई, हमारी जान है ये भी माशाल्लाह, बचपन के साथ ही हैं और हकीकत अगर बात में करूँ इतनी मोहब्बत वाले हैं, आधी रात को हाजिर हो जाते हैं किसी भी काम के लिए माशाल्लाह, ये हर तरह से माशाल्लाह साथ देने वाले भाई हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही दिल और ऐसे ही जज्बात सबको दे अल्लाह पाक। तो नईम भाई नमाज़ कहाँ अदा करिए आपने बताएं? दरगाह सावरी में। माशाल्लाह दरगाह सावरी में पढ़िए, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। तो 8:30 बजे वहाँ से फिर कब्रिस्तान वगैरह गए थे क्या? नहीं, वहाँ नहीं जाना होगा इस दफ़ा भी। तो बाकी ये है कि भाई माशाल्लाह नमाज भी अदा करते हैं और अपने भाइयों को भी टाइम देते हैं माशाल्लाह यहाँ पर। तो इस टाइम हमने ये चूज़ करा कि यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट होता है, भीड़ क्राउड नहीं होता, बच्चे नहीं नज़र आते, वरना तो बातचीत नहीं हो पाती किसी से भी। तो सामने आतिफ भाई की शॉप है, तो आतिफ भाई की शॉप पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं नीम भाई, थोड़ा बताएं। हर तरीके का सामान, बच्चों के हर तरीके के टॉय सब होते हैं, सामान सब टोटल मिलता है और सस्ते भी मिलते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल होलसेल रेट में, और एक नंबर आइटम होती है माशाल्लाह यहाँ पर, यहाँ वापसी भी कर लेते हैं। तो हमारे भाई का रिव्यू आप देख सकते हैं नीम भाई का माशाल्लाह, नीम भाई रिव्यू दे रहे हैं हमारे आतिफ भाई के लिए कि एक नंबर की आइटम होती है और वैरायटी बहुत अच्छी होती है सबसे मेन, ये समझ लें ड्यूरेबल होती है, गिर जाए कुछ भी हो जाए टूटती नहीं है, पैसे वसूल करने वाली वैरायटी होती है माशाल्लाह भाई के पास। तो इस दफ़ा मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि हमने पिछले टाइम में आपको दिखाया था, ये स्टेशनरी का सेक्शन था पूरा, और स्टेशनरी के सेक्शन के साथ साथ एक सामने इन्होंने खिलौने की स्पेशल बच्चों के लिए रखी है। तो इलाके में बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाना नहीं पड़ता है, सारी वैरायटियां भाई के पास मौजूद रहती हैं और ऊपर भी है। तो माशाल्लाह आराम से चेक करके लो लेडीज़ वगैरह को, ऊपर बच्चों के साथ। वाह भाई वाह, तो खवातीन के लिए भी एक अलग सेक्शन रखा है भाई ने हमारे। जी जी, क्राउड रहता है। हाँ हाँ हाँ, बारिश की वजह से पता है वो हो गया, एकदम बारिश हो गई, सोफला हो गया हमारे पास, तो आप बात करने के लिए 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद ही मुलाकात होगी। हकीकत बात ये भाई, मैंने भी देखा था भीड़ बहुत थी, मैं वापस हो गया था थोड़ा सा। भाई हम तो ऐसे मौके ढूंढते हैं, ये सोफ्ट हम जाके फौरन भाई से बातचीत करें। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्राउड यहाँ पर बढ़ता जा रही है, तो बारिश ने आहिस्तगी करी है, तो इसलिए यहाँ पर भाई से इतनी मुलाकात हो रही है। देखो भाई पूरा चेक करवा के देते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 हर टॉयस मिलेगा भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही लो प्राइस के अंदर मिलेगा। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक वो चीज़ है, बच्चे हमारे भी दीवाने इसके, जब भी निकलते हैं कहते हैं बस एक ही दिलवाते हुए जाओ, सिर्फ 5 रुपये की बताइए, 5 रुपये के अंदर दिल खुश, और 50 रुपये का फुल पैकेट है नीम भाई हमारे बता रहे हैं। तो 12 पीस का पैकेट रहता है नीम भाई, 50 रुपये में 10 रुपये का डिस्काउंट, तो 10 रुपये का माशाल्लाह डिस्काउंट रहता है। तो ये होलसेल प्राइस में भी दे देते हैं और रिटेल प्राइस में भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं और अपना आगे सो गाइज, व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और न्यू है तो बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पूरी तौर पर पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।